हेलो लर्नर्स एंड व्यूअर्स, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के पर्यावरण विज्ञान विषय में जो सीनियर सेकेंडरी का कोर्स है उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये एक लाइव पीसीपी प्रोग्राम है। अब हम बात करेंगे दूसरे हमारे प्रोटोकॉल यानी दूसरी कन्वेंशन के लिए बात करते हैं, जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें जो दुनिया भर के देश एक अधिवेशन हुआ था जिसमें दुनिया भर के देशों ने ये वो जताया था कि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से यानी उसको की सुरक्षा करने के लिए और एक दूसरे को साइंटिफिक रिसर्च में जो एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस का और जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ओजोन लेयर डिप्लीशन के हैं उसके बारे में एक उसके संबंधित जो भी रिसर्च है उसमें वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसीलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कन्वेंशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर प्रोटोकॉल्स और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उन प्रोसीजर्स और की बात करता है, उन अमेंडमेंट्स के लिए बात करता है और अगर उसमें कुछ अगर डिस्प्यूट है तो उन डिस्प्यूट को भी वो सेटल करने की बात करता है। तो जो कन्वेंशन प्रोवाइड्स फॉर फ्यूचर प्रोटोकॉल्स एंड स्पेसिफाइड प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ये 1977 से ही एनवायरमेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पर काम कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। और अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूएनएपी द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड अराइव एट द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इन वियना इन 1985 में, यानी ये 1987 से पर्यावरण से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर रहा था यूएनएपी। और इसी के चलते 1985 में कि ओजोन लेयर को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हम सुनते हैं ओजोन होल की बात हम करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं, तो ये यहाँ से शुरू हुआ था कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डायरेक्टली जो यूवी रेडिएशंस आते हैं उससे मनुष्यों को ही नहीं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को भी उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको देखना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वॉज एग्रीड टू बाई द नेशंस इन 1987 में, सभी जो नेशन इसमें भाग लिए पार्टिसिपेट किए थे उन्होंने ये इस पर सहमति जताई। और तब से लेके अब तक करीबन इसमें प्रोटोकॉल में 5 संशोधन या अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। और वो कहाँ कहाँ हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पहला हुआ वो लंदन में 1990 में हुआ था, कोपेनहेगन में 1992 में, वियना में 1995 में, मॉन्ट्रियल 1997 और बीजिंग में 1999 में। और इन प्रोटोकॉल्स का एम क्या था, टू रिड्यूस एंड इवेंचुअली इलिमिनेट द इमिशन ऑफ मैन मेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन चीज़ों को हम प्रयोग कम करें। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये 3 तरह के प्रोविजंस उसमें देता है, कैसे 3 काइंड्स ऑफ प्रोविजन, जैसे इकोनॉमिक एंटिटीज टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन एंड कंप्लायंस विद द प्रोटोकॉल्स कंट्रोल रिजीम। पहला है कि एंट्री इनटू फोर्स रिक्वायरमेंट, दूसरा इसका है कंट्रोल ऑन ट्रेड विद नॉन पार्टीज एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेनिफिट्स। जैसे हमने पहले बात की कि सभी देश एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बात करते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो हो रहा है उसको किस तरह से कम किया जा सके, इसके बारे में सभी लोग देश सोच रहे हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा विकास किया उसके चलते ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉन्सेप्ट चला उठा। और क्योंकि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अपना प्रोग्रेस कर रही हैं तो इसीलिए ये प्रोटोकॉल प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टू डेवलपिंग कंट्रीज़, देयर बाय ऑफरिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ टू जॉइन एंड
comply through a network of 507 monitoring stations located all over the countries. और हमारे यहाँ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के थ्रू CPCB इसको देखता है और 290 स्टेशंस हैं जो 90 सिटीज़ और टाउन्स को कवर कर रहा है. आप देखते हैं कि मोस्टली जब न्यूज़ आपको आते हैं तो उसमें आपको कुछ शहरों का एयर क्वालिटी दिखाते हैं कि ये आज इस एरिया में ज़्यादा पोल्यूशन है, यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर बात की जाती है. नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट कन्वेंशन है. ये क्लाइमेट कन्वेंशन यानी ग्लोबल वार्मिंग पर है. और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर डिप्रेशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द फ्यूचर ऑफ द प्लेनेट. आज सब जगह हम ग्लोबल वार्मिंग का देख सकते हैं. हमारा जो वेदर साइकिल है, हमारा सीजन है, क्रॉप का अगर हम देखें तो हर जगह इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे है, क्योंकि जो हम इंडस्ट्रीज कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अपने यहाँ फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए, हीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके चलते बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित होती हैं. उनमें शामिल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFCs हैं, वाटर वेपर्स हैं, जिसके चलते ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और इन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है. तो इसीलिए इन गैसों को, क्योंकि हम पास्ट में देखें तो हमने बहुत सारा डिटोरिएट कर ही दिया है और आज भी हम एटमॉस्फेयर में इन गैसेस को बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं और अभी भी बहुत देर हो गई है, लेकिन कुछ अगर हम चाहें तो कर सकते हैं अब क्लाइमेट चेंज को, मतलब हम अपने क्लाइमेट को, एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए इन अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम होगा. और इसके लिए अब काम शुरू कर दिया है कि किस तरह से हम इस एमिशन को रोक पाएँ, कम कर पाएँ, तो वी मी एबल टू अवॉइड सम ऑफ द वर्स इफेक्ट. और आज एक्शन लिया गया है एवरी लेवल पर, हर लेवल स्तर पर अगर देखें तो एक्शन है टू प्रोड्यूस, टू अवॉइड एंड टू अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद climate change. Many nations have prepared national plans and are actively pursuing programs and policies that will result in green gas emission reduction की बात करते हैं. और global level पर जो countries हैं around the world have expressed a firm commitment to stop climate change and strengthen international action and broader participation under the auspices of life auspices of the UN Framework Convention on Climate Change. इसके बारे में हम जब अगली बार बात करेंगे तो इस UN Framework Convention on Climate Change पर हम डिटेल में बात करेंगे. तो जो UNFCCC यानी UN United Nations Framework Convention on Climate Change is a landmark International Treaty unveiled at the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro in June 1992. और इसका जो ये कमिट करता है सिग्नेटरी कंट्रीज टू लिमिट एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू लेबल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम. हम बात करते हैं जैसे पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, और हमें कारपूलिंग की बात करते हैं, हम अननेसेसरी भी बोलते हैं कि पब्लिक पार्टी कन्वेंस में जाओ, ट्रांसपोर्ट लो, एसीज़ को कम चलाओ, और नहीं और कुछ टेम्परेचर निर्धारित किया गया कि 25 उस पर करें ताकि ये ग्रीन हाउस गैसेस कम निकलें.
और हम CFCs का यूज़ रेफ्रिजरेशन और उसमें भी नहीं करने की बात कम करते हैं, कह रहे हैं कि कम किया जाए, नहीं उसको नहीं यूज़ किया जाए, एरोसोल का इस्तेमाल कम किया जाए। इस तरह से कोशिश की जा रही है कि हम ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका इमिशन कम कर पाएँ। इसी के चलते इन परस्यूएंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसी के चलते एक जो क्वेटो प्रोटोकॉल आया, तो इन परस्यूएंस विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द क्वेटो प्रोटोकॉल वॉज एग्रीड अपॉन दिसंबर 1997 में जापान में ये कन्वेंशन आया था, जिसमें जो ये प्रोटोकॉल में जितनी भी कंट्रीज थी, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, उन्होंने कुछ मानक निर्धारित किए, कुछ स्टेप्स फॉर्मुलेट करने की कोशिश की थी ताकि ये जो ग्रीन हाउस इमिशन है या क्लाइमेट चेंज का जो फैक्टर है वो लोकल लेवल तक भी शामिल हो। तो इसके लिए जो स्टेप लिए गए थे तो उसमें शामिल किया था लोकल इमिशन फैक्टर, एक्टिविटी डेटा मॉडल्स एंड नेशनल इन्वेंट्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड सिंक्स दैट रिमूव दीज गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर। क्योंकि हमने जंगलों को काटा तो हमारे पेड़ पौधे नहीं रहे, तो उससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इम्बैलेंस हुआ और हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिली। उसी लिए ये कन्वेंशन क्योटो प्रोटोकॉल आया था। इसमें जो जितने भी कंट्री थे उन्होंने कमिट किया टू फॉर्मुलेट पब्लिश एंड अपडेट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडॉप्शन मेजर्स एंड टू कॉपरेट इन प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ इन्वायरमेंटली साउंड टेक्निक्स एंड इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च इन ऑन द क्लाइमेट सिस्टम। बहुत सारे देश आज कुछ टैक्सेस अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल इमिशन है उसके लिए पर उन्होंने टैक्स लगाया है और इसके लिए इसको कार्बन टैक्स का नाम दिया गया है कि आप अगर ज़्यादा इमिशन करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो मैनी कंट्रीज नाउ इम्पोज टैक्स ऑन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इमिशंस, और टैक्सेस जो हैं वो मोटिवेट करते हैं इंडस्ट्रीज को टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड डेवलप कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग टेक्नोलॉजीज। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो, ये टैक्स जो मिलेगा उसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करने के लिए और इंडस्ट्रीज में इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, इसको मोटिवेट करने के लिए ही ये टैक्स लगाया गया है। दूसरा जो कुछ और जो कंट्रीज़ हैं वो ये भी कर रही हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि कार्बन पृथक्करण के लिए, और क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा इमिट होती है, उत्सर्जित होती है जब हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, और फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में करते हैं, पावर प्लांट्स में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो इसको मिटिगेट करने के लिए टू मिटिगेट द इमिशन लार्ज स्केल ट्री प्लांट, यानी एफॉरेस्टेशन की बात की जाती है, यानी कि आप पेड़ ना काटें, पेड़ लगाएं, जो कि इम्प्रूव करता है हमारा क्लाइमेट को भी और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है उसको भी बढ़ाता है, और ये क्रिएट करता है इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बैलेंस करने के लिए होता है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। पहले हमने अपना बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 इंडिया के लिए बात की थी, ये कन्वेंशन इंटरनेशनल है, और कन्वेंशन ऑन जो CBD है यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये अडॉप्ट किया गया था 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, अर्थ समिट या यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इनसेट, उसमें उस समय ये कन्वेंशन प्रकाश में आया था, उस समय ये कन्वेंशन बना था। और ये जो कन्वेंशन है वो
हाईलाइट करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी पर प्रभाव अपना दिखाता है कि, और ये इंटरनेशनल लेवल का एक एजेंडा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन नेशनल लेवल पर भी देखा जाता है, क्योंकि अगर जो ये कन्वेंशन है इसे इंटरनेशनल लेवल के साथ साथ नेशनल लेवल पर भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी हर देश अपने बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए, उसके अपने रिसोर्सेज को इंटेक्ट रखने के लिए काम करता है। और आज तक इस कन्वेंशन पर 150 से ज़्यादा लोग देशों ने साइन किए थे 1993 में, जब ये प्रकाश में आया था, जब ये बना था, और मई 2016 का जो डेटा है उसके हिसाब से आज दुनिया भर के 196 देशों ने इस कन्वेंशन पर साइन किए हैं, और ये दुनिया भर का सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ है जो उसको बहुत ज़्यादा एडॉप्ट किया गया है, यानी सभी देशों ने इसको मान्यता दी है। इंडिया ने भी इस पर 1994 में साइन किया था, और ये CBD जो है प्लेसेस एम्फेसाइज ऑन डिसीजन मेकिंग एट द नेशनल लेवल, और इसमें CBD में 42 आर्टिकल्स यानी 42 अनुच्छेद दी हैं। तो डियर लर्नर्स, बिफोर वी रैप अप, वी वुड लाइक टू रीकैप द मेन पॉइंट्स जो अभी तक हमने बात की है उसके बारे में बात कर देते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट मेक, जिसने अपना पर्यावरण का प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया है, अपना हमारा एक विधि है, कानून है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये हक है, ये प्रावधान है उनका कि वो इसको पास कर सकते हैं, और हमारे ये जो भी प्रावधान हैं, जो कानून बने हैं, उसे एक्ट के फॉर्म में लिया गया है, और ये एक्ट जो हैं हमारे को स्ट्रेंथन करते हैं पर्यावरण को अवक्रमित होने से बचाने के लिए। और UN का ग्लोबल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उसी ने सारे दुनिया के देशों को एकत्रित करके पर्यावरण बचाने के प्रोटेक्शन के बारे में सभी को बात किया है। और टू इम्प्लीमेंट द एजेंडा ऑफ UN देर इज मूवमेंट टूवर्ड्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑन द वर्ल्ड वाइड स्केल थ्रू स्पेशल कन्वेंशन प्रोटोकॉल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, जैसे अभी हमने बात की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, रैमसर कन्वेंशन का, CBD की बात की, तो ये UN का ही योगदान है कि हम इस तरह से वो इसमें काम कर रहा है। डिस्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सैटिस्फैक्ट्री लेजिस्लेशन मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, इट इज़ डिफिकल्ट टू इन्फोर्स द लेजिस्लेशन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपर्टीज, शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड नो सीरियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। कई बार ये होता है कि हमारे जो लॉ बनते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में, उसको लागू करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और उसका एक तो ये है कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, फंड की कमी हो सकती है, या फिर कई बार इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी उसमें इंटरेस्ट उतना नहीं ले रही होती है। जो वाटर एक्ट है उस 1974 का, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो वाटर प्रोवाइड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, और जो वाटर की जो क्वालिटी है और प्योरिटी ऑफ वाटर है उसको मेंटेन और रिस्टोर किया जाए। उसी तरह से जो एयर एक्ट था 1981, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रेजेंट कंट्रोल एंड एबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री, जिसमें आपने देखा है कि अब बहुत जगह हम लोगों ने CNG से चलित या इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू किया है, और उसके बाद से देखते हैं कि शायद हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा है हमारे पर्यावरण
एयर पोल्यूशन में और हमारी जो एयर क्वालिटी है उसके गुणवत्ता में। थ्रू एनवायरमेंट एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गेट्स फुल पावर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग एंड एबेटिंग पॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल जो लेजिस्लेशन है वो मोस्टली एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि नेशन जो दो भी दो देश हैं वो वॉलंटरली उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो प्रोटोकॉल है वो होता है एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट स्टैंड्स ऑन इट्स ओन बट इज लिंक्ड टू एन एग्जिस्टिंग कन्वेंशन। द एम ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन इज टू हॉल्ट द लॉस ऑफ वेटलैंड एंड टू अश्योर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड देयर इकोलॉजिकल प्रोसेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज टू एम टू रिड्यूस एंड इवेंचुअली एलिमिनेट द एमिशन ऑफ मेन मेड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो डियर लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। वी विल कम अगेन टू मीट यू विद ए न्यू प्रोग्राम ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। टिल देन थैंक यू एंड बी safe, stay healthy and apply और आप कोविड नॉर्म्स को ज़रूर पालन करें। धन्यवाद।